नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विनी योहन और आप देख रहे हो हमारा चैनल ट्रूथ लाइफ आज हम आपका सामने इस दिनों में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत चर्चा हो रही एक गाड़ी के बारे में कुछ बातों बोल के देना चाहता हूँ पिछले तीन महीने से भारत में एक सब फोर मीटर गाड़ी बहुत पॉपुलर हो गया है बहुत हिट हो गया है एक्चुअली सब फोर मीटर का मतलब क्या है जो गाड़ी चार मीटर से कम लंबाई रहते लेंथ रहते वैसे गाड़ी को सफोर मीटर बुलाते वही गवर्नमेंट नो में अगर वो चार मीटर से कम गाड़ी है तो उसमें टैक्स में बहुत एडवांटेज मिलते उस रिधि में सफोर मीटर गाड़ी चार मीटर से कम लेंथ वाले एक गाड़ी पिछले तीन महीने से भारत में बहुत चर्चा हो रही उस गाड़ी का कुछ विशेषता के बारे में हम आज आपके सामने बताना चाहता हूँ कौन सा गाड़ी हो रेनो ने इंडिया में प्रस्तुत किया एक सेवन सीटर गाड़ी तो रेनो का मतलब आ, मैं ये भी बोल के देना चाहता हूँ हाँ मैं जब अंग्रेजी स्पेलिंग देखे वो वर्ड को पड़ेगा कुछ लोग ऐसे कहते हैं रेनोल्ट लेकिन सही में उसका प्रोनंसिएशन ऐसे नहीं है रेनोल्ट पूरा उतना प्रोनाउंस करते नहीं है रेनो कहते है। तो जो गाड़ी रेनो पहले रेनो का क्यूड आया था डस्टर आया था जैसे काफ़ी गाड़ियों इंडियन मार्केट में लोग लॉन्च किया और बेहतर चला था उसी कंपनी एक, एक सेवन सीटर गाड़ी लाया है उसका नाम आपको शायद जानते होगा लेकिन मेरा एक सवाल हकीकत में उस गाड़ी का नाम कैसे प्रोनाउंस करते अंग्रेजी में टी आर आई बी ई आर लिखा है कुछ लोग उस गाड़ी को ट्रिबर बुलाते मैंने सुना है कुछ लोग कहते हैं रनो का ट्रिबर आया है लेकिन हकीकत में उस गाड़ी का नाम कैसे प्रोनाउंस करेगा उस गाड़ी का नाम है रनो ट्राइबर ट्रिबर नहीं है सही प्रोनाउंसिएशन रनो का ट्राइबर ट्राइबर एक कंसेप्ट है रेनो ने भारत मार्केट के लिए इंडियन मार्केट के लिए लाया हुआ सबसे हम ऐसे बोल पाऊँ का सबसे रेवोल्यूशनरी एक स्टेप पे रेनो ट्राइबर तो इसको सही में प्रोनाउंस करना है ट्राइबर आने वाले दिनों में हम इस गाड़ी के बारे में और भी काफ़ी वीडियोस शेयर करने वाला है और आपका सवालों का इस गाड़ी के बारे में आपका काफ़ी क्वेश्चन होगा डाउट्स होगा उसके बारे में हम आंसर भी देने वाला है आज कुछ बातों हम आपको बता के दे देगा पिछले काफ़ी सालों से इंडियन मार्केट को इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ज़्यादातर एशियन साउथ एशियन कंपनीज़ का गाड़ी वो रैश करते था। हम ये भूल गया नहीं बीच में फोर्ड आ गया वैसे कुछ गाड़ी अमेरिकन गाड़ीज इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया लेकिन जो एशियन कंपनीज़ होते था होंडा हुंडई सुजुकी वैसे अभी किया भी आए वैसे कुछ एशियन गाड़ियों को इंडिया में हमेशा पॉपुलैरिटी होता था सही है टाटा इंडियन गाड़ी था आ, वो भी एशियन है वैसे एशियन गाड़ी इंडिया में बहुत पॉपुलर चलता था लेकिन अभी कोई शंका नहीं है एक यूरोपियन कंपनी एक फ्रेंच कंपनी इंडिया में उसका पायर स्थिर रखा है उसका गाड़ी क्यूट बहुत पॉपुलर हो गया टेस्टर भी इंडियन मार्केट में बहुत उसका इन्फ्लुएंस कर दिया और जरूर अभी जो नया गाड़ी आया ट्राइबर वो बहुत बड़ा एक सक्सेस जरूर होने वाला है यूरोपियन गाड़ियों में ना तो वेस्टर्न गाड़ियों में कुछ स्पेशलिटी है एक तो उस गाड़ियों जरूर मज़बूत रहते और कुछ यूरोपियन स्टैंडर्ड्स रहते उस स्टैंडर्ड चोट के वो लोग गाड़ी बनाता नहीं है शायद एशियन मार्केट के लिए ट्राइबर बनाया फुरफी दे आर मेंटेनिंग सम सॉर्ट ऑफ़ यूरोपियन स्टैंडर्ड्स इन देयर देअ उसमें कोई शंका नहीं है कुछ तरह का यूरोपियन स्टैंडर्ड्स उस गाड़ी में वो लोग रखते हैं एक उदाहरण बोलेगा तो जब मैंने एक ट्राइबर लिया उस ट्राइबर को रिवर्स ले रहे था सम ऑफ माई फ्रेंड देवर टेकिंग ए वीडियो फ्रॉम बैक साइड जैसे मैं रिवर्स ले रहे था मेरा कोई एक दोस्त पीछे से एक वीडियो ले रहे था उन्होंने जल्दी वो वीडियो मुझे ला दिखाया और बोले देखो आपका गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है आप जब रिवर्स लिया दोनों साइड में एक ही लाइट जल रही मतलब वो जो येलो लाइट फॉग लाइट वही एक ही लाइट जल रही मैं बहुत कंफ्यूज uh, हो गया लेकिन मैं इंटरनेट में जाके गूगल में जाके सर्च करके देखा ये हकीकत में क्या हो गया मेरा गाड़ी में क्या ये सब मेरा गाड़ी का प्रॉब्लम है तभी मुझे मालूम पड़ा जितने ट्राइबर सब में जब रिवर्स लेते लेफ्ट साइड का एक ही लाइट जलने वाला है इसका कारण एक यूरोपियन स्टैंडर्ड है यूरोप में ऐसे कानून है स्पेशली यू नो आपको जानते ट्राइबर एक फ्रेंच कंपनी का कहा है तो उनका कुछ स्टैंडर्ड रहते उनका कुछ नॉर्म्स रहते उस देश में एक यूरोपियन देश का यूरोपियन नॉर्म है रिवर्स गियर में जब गाड़ी चलते उस गाड़ी में कम से कम एक फोग्प होना जरूरी है उधर का नॉम है उधर का स्ट्रिक्ट रूल है कम से कम गाड़ी में एक फोगलाम्प होना जरूरी है इसलिए जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कंपनी हो गाड़ी बनाने वाला कंपनी हो वो लोग क्या करते उसको वो नॉम को मीट करना है तो दो फोक लाम्प रखेगा तो उसका खर्चा बढ़ेगा खर्चा कम करने के लिए वो लोग एक फोगलाम्प हर गाड़ी में फिट करते पीछे का रिवर्स साइड में एक फो अलग फिट करते मेरा कहने का मतलब ट्राइबर इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस किया लेकिन उस गाड़ी को एक यूरोपियन स्टैंडर्ड में बनाया है दूसरा एक बात आप ध्यान देगा तो आपको मालूम पड़ेगा ट्राइबर का हॉगिंग हॉर्न का आवाज बहुत वीक है स्लो साउंड है उसका भी एक कारण है क्योंकि जो यूरोपियन देश में वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग ज़्यादा हॉर्न को इस्तेमाल करता नहीं है अपना देश में अपना हाथ हमेशा हॉगिंग करते रहेगा बिना मतलब हम हॉर्न दबाते हैं, एक तरह का साउंड पोल्यूशन है लेकिन आप कोई विदेश राज्य में जाएगा जैसे वेस्टर्न कंट्री में जाएगा रास्ता तो शांत रहते कोई भी अननेसेसरी हॉगिंग करता नहीं है बहुत इमरजेंसी कुछ सिचुएशन में ड्राइवर को लगा होंगिंग करना जरूरी है देन ओनली सिर्फ उस समय उन्होंने क्या करते हैं हॉर्न बजाते हैं तो एक यूरोपियन स्टैंडर्ड है तो यूरोप में हॉर्न उतना बड़ा आवाज़ होने का जरूरत नहीं है इसलिए ड्राइवर का हॉर्न भी बहुत कम साउंड में रखा है जब हम लोग गाड़ी लेके आए मैं और मेरा दोस्त हम दोनों दो गाड़ी साथ में बुक किया मेरा दोस्त ने जैसे गाड़ी में बैठा उनको लगा ये हॉर्न बहुत कमज़ोर है साउंड बहुत कम आ रहे उनको लगा अभी ये हॉर्न बदल के एक अच्छा साउंड वाला हॉर्न फिट करना पड़ेगा क्योंकि साउंड कम है इसका कारण ऐसे नहीं है रनो को जानता नहीं है जो इंडियंस भारतवासियों बहुत हॉर्न में आवाज़ पसंद करते हैं लेकिन वो लोग जब गाड़ी बनाया एक यूरोपियन स्टैंडर्ड में बनाया चाहिए तो ये गाड़ी कल शायद लैटिन अमेरिका होगा अफ्रीकन कंट्रीज होगा बाकी एशियन कंट्रीज होगा चाहिए तो कल यूरोप में भी इस गाड़ी और लोग इंट्रोड्यूस कर सकते है वैसे एक ग्लोबल विशन के साथ में रेनो ट्राइबर को डिसाइन किया है सो द थिंग व्हाट दे इंट्रोड्यूस इन इंडिया इंडिया में जो गाड़ी लोग इंट्रोड्यूस मीटर जो हुकल रनॉ ट्राइबर ऐसे एक पॉसिबिलिटी के साथ में ऐसे एक यूरोपियन स्टैंडर्ड में उस गाड़ी को इंट्रोड्यूस किया है यूरोपियन स्टैंडर्ड में इसलिए क्या ना उस गाड़ी के अंदर जो टॉप मॉडल्स में आर मॉडल में दो एयरबैग दिया है आर एक्स मॉडल में चार एयरबैग दिया है क्योंकि सिक्योरिटी कंसन उसमें उतना इंपॉर्टेंट है यूरोपियन नॉर्म्स पूरा होना ज़रूरी है इस गाड़ी के बारे में इस दिनों में इंडियन मार्केट में बहुत बड़ा शोर हो रहे आने वाला दिनों में ज़रूर ट्राइबर रेनो के लिए इंडिया में एक फ्लैग बर्नर बनने वाला है कमिंग डेज आने वाला दिनों में और भी ट्राइबर के बारे में काफ़ी ऐसे बातों में आपको बता के देना चाहता हूँ कृपा करके इस जो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगले एक वीडियो में ज़रूर जल्दी लाने वाला है इंडियन मार्केट में क्यों ट्राइबर इतना सक्सेस हो गया इसका पीछे क्या सीक्रेट है उसका बारे में मैं चर्चा करने वाला है और मैं ये भी एक वीडियो में बोलने वाला है मैं क्यों एक ट्राइबर को परचेज़ किया वो भी मैं करना चाहता हूँ तो आने वाले दिनों में अपना जो चैनल्स का अपडेट्स आप ध्यान रख दीजिए जल्दी आपको अपडेट मिलने के लिए बेल बटन दबा दीजिए तो जरूर आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन मिलेगा जब अपना नया वीडियो अपलोड करेगा थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो थैंक यू थैंक यू ऑल